सलमान के रियलिटी शो की एक और कंटेस्टेंट ने उनके खिलाफ कुछ ये कहकर अपने लिए काउंटडाउन नंबर 5 पर जगह बना ली है। सलमान खान का रेप्यूटेशन अब सब लोगों के सामने अच्छा नहीं है, वो सब हिंदुस्तान का हीरो है, उसको स्टैंड बनाना चाहिए था। सलमान खान की रेप्यूटेशन दाव पर है। ये जो वो भी कर रहा है कि वो मजाक उड़ा रहा है, दिस इज रॉन्ग। मैं जानती भी नहीं थी कि उसने मजाक उड़ाया। He's made a joke of my lips. मैं सोच रही थी कि वो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मैं सोच रही थी उसने कुछ अच्छा कहा। सलमान के कंटेस्टेंट्स पर किए गए कमेंट्स सारी हदें पार करते जा रहे हैं। जी हाँ, यही है सलमान खान के शो के दोबारा एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसने पर सामने आया नया अपडेट। ये तो शायद आपको पता ही होगा कि शो से बाहर आते ही एक कंटेस्टेंट सोफिया हायत ने अरमान कोहली पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेंट दर्ज करी थी। वैसे सलमान से उनकी नाराजगी सिर्फ कमेंट्स तक ही नहीं है। सोफिया का कहना है कि उन्हें काफी उम्मीद थी कि सलमान इस मामले में जरूर अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन मामला कुशाल टंडन के केस से भी बदतर हो गया। मेरी समझ में नहीं आता है कि बिग बॉस एक बड़ा शो है, खुशहाल टंडन को उन्होंने निकाला जब उसने एक दूसरा लड़का को पुश किया, लेकिन उसने अरमान कोहली ने मुझे फेसबुक पर मारा स्टिक के साथ, मॉप की स्टिक के साथ, और उसके बाद उसने मुझे इतनी गालियां दिया मेरे करियर के ऊपर। यानी कुल मिलाकर सोफिया सलमान पर कुछ वैसे ही आरोप लगा रही हैं जैसे पार्शियलिटी के आरोप सलमान पर खुशहाल टंडन लगा चुके हैं।